रायपुर का जोशी यूजर नेम्स यो कपड़े सामान सौ कुछ ऐसा अभी के हिसाब से गुड इन्होंने मेरी मेरा देख सकते हो बच्चा कितना खुश है स्विमिंग कर रहा है स्विमिंग बोर्ड बड़ा ही प्यारा है देख सकते हो बेहद खुश एंजॉय कर रहे हैं संडे आज टाइम मिला है बच्चों को तो सभी पेरेंट्स घुमाने लेके आते हैं यहाँ कलर्स मोर तो ये ट्रेंड्स करके क्लॉथ सेंटर है यहाँ पे कपड़ों का है मार्केटिंग इधर नीचे पार्किंग है यहाँ से इंटर है और ये है मॉल का इंडोर गेट चलिए चलते हैं देख सकते हो ट्रेंड्स के कपड़े इधर भी कुछ शो अप किए हैं तो देख सकते हो मिनी कार मसाजर अंदर से कुछ ऐसे दिखता है नज़ारा ऊपर दिखाता हूँ मैं ज़रा एक मिनट बहुत सुंदर लगता है रात में और ये पूरे इधर कुछ ऐसे दिखता है ऊपर फ्लोर्स बने हुए हैं अभी जाएंगे हम ऊपर और ये देख सकते हो मिनी ट्रेन चल रही है मिनी साइकिल मिनी कार बच्चे लोग के लिए कुछ पैसे दिखती है मिनी कार गाइडेंस देने के लिए भाई हैं और ये ट्रेंड्स के कपड़े समर वेकेशन जाने के लिए सेटिंग इस ईयर कलेक्शन 149 से स्टार्ट है सामने ये ट्रेन है हॉर्न बजाते हुए मेहंदी काउंटर यहाँ के आप मेहंदी लगवा सकते हैं फंक्शन इवेंट के लिए चलिए हम भी चलते हैं ऊपर ये हम ऊपर आ गए ऊपर अभी दुकानें खाली हैं लिफ्ट अभी है यहाँ पे बगल में इधर का इलाका दिखाते हैं आपको वुडन डोर्स क्लासिक सोफा सेट्स कलेक्शन बड़े ही प्यारे से इसका डिटेल रिव्यू के लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ रॉयल स्टाइल वुडन हैंड फोल्ड्स अभी हम सेकंड फ्लोर पे हैं सेकंड फ्लोर में इतनी ज़्यादा दुकान तो दिख नहीं रही है ऊपर जाते जाते हैं आपको दिखाते जाते हैं सेकंड फ्लोर में ट्रेंड का और है शॉप हर जगह है इधर भी है ऊपर की लाइट बहुत ही प्यारी लगती है चलिए थर्ड में चलते हैं अपन थर्ड फ्लोर पे कुछ ऐसा नज़ारा है दोस्तों बड़ी ही प्यारा इस बार इधर से स्टार्टिंग करते हैं लेफ्ट से यहाँ पे एक शॉप है और इधर कुछ इधर भी खाली पड़ी है दुकानें कलर्स शूज कुछ कलाकृति बनी हुई है यहाँ पे मूर्तियाँ हम आए हुए हैं दोस्तों NUV में कुछ ऐसे हम दिख रहे हैं हेलमेट के साथ 50% दुकान वो डिस्काउंट है अभी ऑफ है सारे कपड़े में जैगिंग्स लोअर सूट्स गाउन जीन्स टी शर्ट चड्डे बड़मुड़े बेल्ट ये सब सारे में देख सकते हो मैं दिखा पा रहा हूँ आपको
बड़े क्लियरली से। इधर है बच्चों का है 20% डिस्काउंट, 50%। अच्छा अच्छा कलेक्शन है ऐसे यहाँ। कैश काउंटर है, पता नहीं दोस्तों सभी जगह कैमरा से क्या दुश्मनी होती है, अजीब ही टाइप करने लग जाते हैं सभी लोग। और ये है मिरर माजे 3D देख सकते हो। अपन को तो अभी नहीं जाना है फिलहाल, बच्चों को लेकर जा सकते हैं। ओपन नाउ सुरुचि, सुरुचि का है तो यह सुरुचि का रेस्टोरेंट। काफ़ी खाली खाली सा दिख रहा है संडे के भी दिन, मतलब आप अकेले भी आ रहे हैं ना भाई साहब तो यहाँ आके ना मूड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। अब चलते हैं अपन दूसरे फ्लोर में। तो दोस्तों एक यूट्यूबर को ना काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं ऐसे वीडियो को शूटिंग करने के लिए, सभी लोग एकदम अजीब नज़र से देखते हैं, जानो मानो साला हम कुछ कर रहे हैं उनको हानि पहुंचा रहे हैं। अभी चल रहे हैं हम फोर्थ फ्लोर पे, देख सकते हो आगे बढ़ते हुए इंटर कर रहे हैं हम फोर्थ फ्लोर पे। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है हमको, तो यहाँ पे काफ़ी क्राउड है। कौन सा लगा है KGF Chapter 2 लगा है अभी देख सकते हो, काफ़ी चल रहा है मूवी है। इधर पूरा खाली खाली सा है, मेन्यू रखी है, तो ये बुक स्टॉल है देख सकते हो, बुक डिपो। बड़े रिलैक्स खड़े हुए हैं स्वागत करते हुए। मेरे हॉबी के हिसाब से गुड इकोनॉमिक्स फॉर हाई टाइमिंग्स। अभिजीत बी बैरजी का है, यूथ एंड ट्रूथ, ये अच्छा लगा मेरे को टाइटल। पूरी बुक है देख सकते हो। इधर है बैग कलेक्शंस बच्चों का। ये कैफ़े है, कैफ़े एरिया, और कुछ ऐसा फ़ोटोग्राफी आप कर सकते हैं यहाँ पे, फ़ोटोग्राफी आप कर सकते हैं दोस्तों। आओगे तो, मैं तो अभी सिंगल हूँ तो आपको पोस्ट नहीं मिलेगी इंस्टाग्राम में। तो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसे दिख रहा है, ऐसे अब चलेंगे हम फिफ्थ फ्लोर पे। लिफ्ट में भी हम तो लिफ्ट से आए नहीं हैं, गए हैं लिफ्ट से। तो यहाँ मेरा फेवरेट बॉलिंग है, बाकी ये बंद है अभी। ऐसा नज़ारा है, चालू है अभी देख सकते हो, कुछ ऐसा नज़ारा है दोस्तों। भाई लोग खेल रहे हैं, बड़े भैया लोग, ये भैया भी मारने वाले हैं। ये गया बाबा, हिट नहीं किया, ये अब भैया मारने वाले हैं, अभी हिट होने वाला है गोल। 3 बज गए। प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ, कुछ ओवरव्यू दिखा देता हूँ मैं। इधर टेनिस बॉलिंग के लिए भी है, बच्चों का टॉय सेंटर, अभी तो खाली है पूरा, छोटे छोटे बच्चों के लिए है देख सकते हो, बच्चों का है हिट करने के लिए। अभी अपने पास इतने समय नहीं है जो अपन इसको सॉल्व करें। इधर बाकी गेमिंग जोन है, इधर चल रही है। कार रेसिंग भाई चला रहे हैं बड़े प्यार से देख सकते हो। इधर भी है बाकी ट्रेन्स है, और ये है कार रेसिंग लाइव। खाली है पूरा,
12D थिएटर, इन्जॉय द एडवेंचर। तो ये है भूतिया वो जगह जहाँ पे आप बच्चे को ले जा तो नहीं सकते, खुद ही डर जाओगे ऐसा बना हुआ है अंदर। तो फाइनली ये लास्ट फ्लोर है, 5th फ्लोर कुछ ऐसा नज़ारा है। ऊपर का दिखाऊं तो ऐसा कुछ दिखता है, रात के बज रहे हैं अभी 8:30। लिफ्ट है, अभी तो ये चलने से रहा। आवाज़ें बहुत आ रही है क्योंकि अभी चलू है। तो दोस्तों इसको मैं आउट शूटिंग में किया हूँ अभी फ़ोन रख के। मेरा लेवल गया 23 तक गया है। बच्चे भी आ गए खेलते हुए, देख सकते हो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ट्रेन चला रहे हैं। ये सारी मशीन प्रेशर से चल रही है, आवाज़ कर रही है। एक यहाँ से दिखाई गई ऑफिस है ऊपर, तो पूरा मैनेजमेंट का और कुछ कुछ का है। यहाँ से हम शूट कर डाले, आपको दिखा डाले, आप देखे होंगे। आप चलते हैं नीचे की ओर, अभी बहुत ऊपर आ गए हैं। मैं आज अकेले हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, कोई रहता तो मस्ती करते रहते। अभी हम लोग लिफ्ट से जाएंगे क्योंकि कोई मतलब नहीं है ऐसे सीढ़ी से जाने का, क्योंकि अभी तो खाली है। हम कमांड दे दिए, चलिए ना मैडम नीचे उतारिए हमको। गाइस हम तो किराना यहाँ से घर के लिए यहाँ खरीदते नहीं है, के मार्ट से खरीदते हैं। तो आपको तो एक्सपीरियंस बता मैं सकता नहीं हूँ कितना ऑफर है क्या है। स्मार्ट सुपर स्टोर नाम से है ये। इधर है पॉपकॉर्न, स्टाइल प्ले, ऑफिस लुक, फॉर्मल लुक, ब्लेजर तो अच्छा अच्छा लग रहा है। जाने का मन है, मेरा ट्रेन है। रायपुर का जोशी यूजर नेम्स यो। बाहर आने के बाद कुछ ऐसा गर्मी का सीन हमको पड़ा, अंदर तो बहुत एसी में थे, बाहर कुछ ऐसे टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिला। अभी तक 8:30 हो गया, लेकिन शहर है गाइस, गाड़ी चल रही है तो पॉल्यूशन हो रही है, तो गर्मी तो होना ही होना है गर्मी के मौसम में। रायपुर के लोग तो यहाँ आते रहते हैं, तभी भीड़ इतना रहता है। आज संडे है तो काफ़ी आए हुए हैं छुट्टी के कारण, कुछ ऐसा बाहर से दिखता है। तो हम तो गाड़ी रखे हुए हैं आगे क्योंकि पार्किंग हम नहीं घुसा है। पार्किंग में घुसाने से कोई मतलब नहीं है, अगर आप जल्दी में हो तो अच्छा, 2-3 घंटा घूम रहे हैं तो आप पार्किंग लगा सकते हैं, तो ऐसे साइड में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हम पहुंच गए अपने बुलडॉग के पास, अब हम चलेंगे घर। अब हमको जाना है, हमको अभी भी हमारा मिशन बाकी है